बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का अभ्यास पुस्तिका पर आधारित 15वें चैप्टर का प्रश्न करेंगे। पंचदशा पाठ लालन गीतम। लालन गीतम अभ्यास पुस्तिका में जो दिया गया है इस पाठ से, इसमें जो पहला प्रश्न दिया है वो है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरक में पहला प्रश्न पूछा गया है, उदिते सूर्य का विहसति, सूर्य के उदय होने पर कौन हंसता है। तो उदिते सूर्य यहाँ पे धरणी यानी कि धरती हंसती है, तो उदिते सूर्य धरणी विहसति। तो उत्तर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले प्रश्न का उत्तर, एक का क लिखेंगे यहाँ पर, उत्तर एक का क है ये, और इसमें हो जाएगा धरणी, धरणी और ख है। और ख में हम लोग प्रश्न देखेंगे कि उच्चैः ढक्का कुत्र नदति, उच्चैः ढक्का कुत्र नदति यानी कि नगाड़ी की आवाज़ जोर जोर से कहाँ से आती है। तो मंदिरे मंदिरे, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मंदिरे। और ग है यहाँ पर, नौका कुत्र सेलती, नौका कहाँ चलती है, सरितायाम, सरितायाम यानी कि नदी में, सरितायाम नदी में जो है वो नौका चलती है। घ वाला प्रश्न है कि चित्र पतंगा कुत्र डयंते, चित्र पतंगा यानी तितलियाँ कहाँ डयंते मतलब उड़ती हैं। तो ये पुष्पे पुष्पे, फूल फूल पर पुष्पे पुष्पे, और ये अगला वाला प्रश्न है यहाँ पर, प्रातः दुग्धम का यच्छति, सुबह कौन दूध देती है। तो यहाँ पे प्रातः धेनु गाय, धेनु हो जाएगा, गाय जो है वो दूध देती है। और च है व्याघ्रः कुत्र गर्जति, व्याघ्रः। और अब हम लोग यहाँ पे अगला करेंगे, च व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है। तो ये विपिने, विपिने। और फिर है छ वाला प्रश्न यहाँ पे कि हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है। तो हरिणः यानी कि हिरण नव घासम, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नव घासम, नव घासम खादते। और ज है प्रचुरम भारम कह निवहति, बहुत अधिक भार कौन ढोता है। तो उसका ज में आ जाएगा उसका, तो उसका जो है वो इसका उत्तर हो गया। और छ है यहाँ पे झ लिख देते हैं, झ का जो एक पदेन उत्तरत है, भालुका किम करोति, भालू क्या करता है। तो भालुका नृत्यति, भालू नाचता है। तो एक पद में लिखना है तो हम लोग यहाँ पे खाली नृत्यति लिखेंगे, भालुका नृत्यति। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये हम लोग लालन गीतम, ये हम लोग अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका विषय, अभ्यास पुस्तिका, ये अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न है। और अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे, हाँ दूसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ पर करेंगे कि मूल धातु और अर्थ बताना है। तो इसमें हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पे मूल धातु और अर्थ के अंतर्गत हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे।
उत्तर दो में विहसति विहसति का है वी प्लस हस, यहाँ पे मूल धातु हस है और इसका अर्थ होता है हंसी है। दूसरा है इसमें कूजती, कूजती में कूज है, कूज कर रहा है। अब है विकसती, बी प्लस कस यहाँ पे खिलना। नदती, नदती में नद है ध्वनि करना। सेलती सेल, यहाँ पर सेलति में सेल है हिलना डुलना। और डयंते, डयंते में है डी और अब है यहाँ पर विभाति, सुशोभित यहाँ पे भी धन्यवाद सुशोभित होता है। सुशोभित होता है और फिर नयच्छति, यच्छति दाम, यहाँ पे दाम औषध है और देता है। और फिर है गर्जती, गर्जती को हम लोग ऊपर लिखेंगे।
गर्जति की बात है, हम लोग यहाँ पे करेंगे गर्जति, यहाँ पर गर्जति के बाद गर्जति, गर्ज गरजता है, नदति नर्त नत दहाड़ पश्यति दृश्य देखता है, गच्छति पश्यति गच्छति गच्छति यहाँ पर गम जाता है, गम जाता है, और नृत्यति का नृत्य नाचता है, और यहाँ पर निवहति, निवहति का अर्थ होता है, यहाँ पे वह धातु है धोता है, निवहति निवहति वह धोता है। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न, और अब हम लोग यहाँ पर वाक्य बनाएंगे अव्यय पदानी से, और इसमें हम लोग करेंगे उत्तर तीन उच्चैः यहाँ पर हम लोग प्रश्न चार करेंगे। प्रश्न चार उत्तर तीन, बच्चे खुद से अपना वाक्य बना लेंगे, और यहाँ पर अव्यय दिया हुआ है, सारे शब्दों का प्रयोग जो है वो पाठ में दिया हुआ है, तो वाक्य बच्चे खुद से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, धरणी कदा व्यहसती, धरती कब हंसती है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर चार का कर लिखेंगे, उदिते सूर्य धरणी विहसति, ख है धेनु कीदृशं दुग्धं यच्छति, धेनु कैसा दूध देती है। तो धेनु धेनु अशुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं स्निग्धं दुग्धं यच्छति, और अगला प्रश्न है, घोटक राजा कदा किमपि न खादति, घोड़ा कब नहीं खाता है। तो घोटक राजा
घोटक राजन धावन समय किमपि न खादति, कुछ भी नहीं खाता है। किमपि न खादति, किमपि न खादति, कुछ भी नहीं खाता है। और घ है नौका, कुत्र सेलति, तो नौका सरिता सलिले सेलति, नौका सरिता सलिले सेलति। तो ये हो गया हम लोग का चौथा प्रश्न। और अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे कि अस्मिन् पाठे आगत पशुनाम नामानि लिखत, इस पाठ में आए हुए पशुओं का नाम लिखें। तो यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे। उत्तर पांच हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो इसमें धेनु और घोटका व्याघ्र उष्ट्र सिंह सिंह भल्लुक तो ये नाम आए हुए हैं जो खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग उत्तर छः करेंगे। और उत्तर छः में हम लोग यहाँ पर समानार्थक शब्द लिखेंगे। उत्तर छः समानार्थक शब्द खगह का, खगह का लिखेंगे पक्षी, देवालय, देवालय का हम लोग लिखेंगे मंदिरे, देवालय का मंदिरे। और यहाँ पर हम लोग अगला लिखेंगे जले, जले का सलिले, तरल वृक्ष, तरु कहते हैं तरु से तरु हुआ है, बने विकिने, बने का विकिने, हरिण हरिण का यहाँ पे हरे की जगह पे हम लोग मृगा लिखेंगे। मृगा का हरिणा है, उन्नत तुंग उन्नत का तुंग। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे छह प्रश्न यहाँ पे किए हैं। तो आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका में इसमें जो अभी हम लोग के खगह का पक्षी, ये इसका जो है वो समानार्थक पद है। तो समानार्थक पद में खगह मतलब पक्षी होता है, पक्षी का मतलब भी पक्षी। देवालय मंदिर को कहते हैं, यहाँ पे मंदिर है। जले सलिले तरव वृक्षे वने विपिने मृगा हरिणा उन्नतः तुंगा, तो ये जो है समानार्थक पद है।
तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पंचदशा पाठ लालन गीतम के अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को किया है। तो इसमें जो है हम लोग शुरू करते हैं, शुरू से जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न किए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।